वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि मतलब इंडिया के कितने चांसेस हैं जीतने के, और मतलब जडेजा बाहर हो चुके हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह एज अ रिप्लेसमेंट जो लेफ्ट आर्म उन्हीं की तरह बॉलर आए अक्षर पटेल, जो एकदम सेम टू सेम कॉपी हैं, अभी फॉर्म में भी हैं काफ़ी, तो उनको मतलब क्या मौका देना चाहिए, या फिर दीपक हुड्डा जो मतलब रन करके आए हैं? नहीं, दीपक हुड्डा को आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में आज दीपक हुड्डा को चांस देना चाहिए अक्षर पटेल की जगह। मतलब जडेजा तो इंजर्ड है, वो खेलेंगे नहीं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट है अक्षर पटेल, लेकिन आपको दीपक हुड्डा खेलना चाहिए। दो ओवर दीपक हुड्डा से निकालो और पाँच प्रॉपर बॉलर हमारे पास हैं, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और हर्षदीप सिंह, युवराज और एक और चेंज, सबसे जरूरी चेंज आवेस खान। मैच हार जीतना तो आवेस खान हटाना बहुत जरूरी है, आवेस खान की जगह अश्विन को खिलाएंगे। तो मगर मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म गया है तो लेफ्ट आर्म ही आना चाहिए, तो अक्षर पटेल को खेलना चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म है और पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ परेशानी होती है। दीपक हुड्डा ठीक रहेगा, बैटिंग में डेप्थ देंगे, और दूसरी बात है शारजाह की पिच है, शारजाह की पिच में 60-60 मीटर की बाउंड्री और फर्स्ट के गेंद आता स्लो आता है। शारजाह की पिच पिछले 4-5 साल से स्लो बना रहे हैं, पहले एकदम पाटा बनाते थे 70 पिच, अब स्लो बना रहे हैं, फर्स्ट के आता है, एवरेज स्कोर 155-150 रहता है शारजाह पे। तो मगर दीपक हुड्डा पे आप बैटिंग का एज दे रहे हैं, मगर अगर रोहित शर्मा और ये स्टार्टिंग के ओपनर राहुल, तो दीपक हुड्डा दो ओवर भी दे देंगे आपको स्पिन में, अच्छा स्पिन कराते हैं आप स्पिन, वो तो फकर जमान आपको बताएंगे कितने ओवर देंगे। हाँ, तो ऑफ स्पिनर है ना, ऑफ स्पिनर है फकर जमान, बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके पास आम बॉल बहुत बढ़िया है, अक्षर पटेल के पास तो आम बॉल काफ़ी बढ़िया है, तो वो परेशान कर सकते हैं। वो आपकी राय पर हम दीपक हुड्डा को लेंगे, हमारे अपने निजी कारण है। तो आवेश खान की जगह किसको मौका देना चाहिए? बहुत ही तहस नहस मचाने वाला प्लेयर है, दीपक चहर को रिजर्व से हटाना चाहिए और मतलब खेलना चाहिए उनको, प्लेइंग 11 ना आए, अगर ऐसा हो सकता तो आवेश खान का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट वही दीपक चहर उनको लेके आए रिजर्व से हटा के प्लेइंग 11 में, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अश्विन, आवेश खान का अश्विन, क्योंकि आपको बैटिंग में गेंद अभी फिर बताया फंस के आता है, क्लासिकल स्पिनर है, दिमागदार स्पिनर, अश्विन की जगह वेरिएशन बहुत है, रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए। नहीं, दोनों चहल स्पिनर नहीं है, दो स्पिनर हो जाएंगे एक ही टाइप के, युजवेंद्र चहल लेग ब्रेक ज़्यादा डालते हैं, रवि बिश्नोई डालते ही गुगली। अरे भैया बड़े टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस काउंट करता है, बैटिंग भी देंगे आपको, बैटिंग डेप्थ भी तो देंगे अश्विन, तो अश्विन हमें नहीं लगता खिलाएंगे, अश्विन का दिमाग बहुत काम करेगा, एक्सपीरियंस बहुत काम करेगा, पिट रही होती टीम ना तो रवि बिश्नोई के हो सुड़ जाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आज तक ऐसे पिटर तो है नहीं, मगर 100 से ऊपर पेस है, अच्छी गुगली है। नहीं नहीं, हम अश्विन को वेरिएशन बहुत है ना, तो गुगली क्या वो नहीं डाल लेते हैं अश्विन, अश्विन इतने तो वेरिएशन है, ऑफ स्पिन है, कैरम बॉल है, चलो ठीक है देखना पड़ेगा, मगर तो आज क्या मतलब लेग स्पिन भी करा लेते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उनकी ताकत है वही रिलाय करना चाहिए, कैरम बॉल और ऑफ ब्रेक में ही रिलाय करना चाहिए। और आज टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा, टॉस पे शारजाह की पिच, हाँ शारजाह की पिच से टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा, इंडिया जीते तो पहले बॉल, शारजाह की तो स्पिनिंग ट्रैक रहती है, मेरे स्पिनिंग ट्रैक रहती है, बॉल फर्स्ट आता है, स्पिन ट्रैक रहती है, पूरी स्पिन ट्रैक रहती है, 150-155 एवरेज रहता है। इंडिया को तीन स्पिनर खिलाने चाहिए, हाँ इंडिया को तीन स्पिनर खिलाने चाहिए, युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन और दीपक हुड्डा, मतलब पार्ट टाइम बॉलर। और आपने बता दिया अश्विन की जगह कौन, रवि बिश्नोई और दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल आपने बोला प्रॉपर, एक दो ओवर विराट कोहली से, हाँ विराट कोहली से एक ओवर दो ओवर नहीं एक ओवर करा सकते विराट कोहली, लेकिन बॉल फंस के आएगा तो उनकी 115-120 पे अच्छा बॉल फंसेगी उनकी, अच्छा आएगा मीडियम पेस खेलना, एक ओवर डाला था पिछले मैच में, आज भुवनेश्वर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बॉल वैसे भी इतने स्टार बॉलर हैं, क्लास बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो वैसे भी स्लो पिच आज तो वो आज धमाका करेंगे फिर से इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इंडिया को टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेना चाहिए। भुवनेश्वर काफ़ी समय से मतलब प्रूव कर रहे हैं अपनी स्किल्स पे, और जो नकल बॉल है और ऑफ ब्रेक भी है दोनों, नंबर वन क्लास बॉलर है, स्विंग उनकी खेलना बहुत मुश्किल है, आप टॉस जीत के हम पहले इंडिया को बॉलिंग कराना चाहेंगे, आप इंडिया बॉलिंग करें, मतलब टॉस जीत के इंडिया बॉलिंग करें, हाँ भाई इंडिया को बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि चेस करने में थोड़ा आसान पता होता है ना, जब पता होता है 140 चेस करें तो उस हिसाब से हम ले चलेंगे स्कोर बोर्ड, कैसे पहले बैटिंग कर रहे हैं 200 बनाने के चक्कर में चलेगा, 160 भी ना बने 130-140। आज दो लोग का मैच बहुत डिपेंड है, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार और रोहित शर्मा ओपनिंग, इन लोग पे डिपेंड है, सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की ओपनिंग पे भी बहुत डिपेंड है, आज स्काई जैसे पिछले मैच में आउट हुए थे, मतलब सीधा बोल्ड ही हो गए थे, नसीम जाग गेंद पे लेग चलाने स्लॉगिंग करने चले, सीधी गेंद को हमेशा स्ट्रेट चलाने की कोशिश करने, अंदर आई थी थोड़ा, अंदर आई थी थोड़ी अंदर भी आती, 145 पे ना स्लॉगिंग करना मुश्किल होता है, सो अगर स्ट्रेट चलाते हो ज्यादा ठीक होता है, ऑफ स्टंप की गेंद स्लॉगिंग करने चले गए, नसीम शाह के पास पेस बहुत अच्छी है, उन्होंने दिल तो जीता ही था भाई, टीयर के बावजूद काफ़ी फिट हो गए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि
काफ़ी ईगर होंगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एक खुशी की बात है कि हम एक तरफा मैच नहीं हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा एक तरफा मैच होता है, इंडिया जीतती थी। अब थोड़ा कांटे का जैसे ओल्ड राइवलरी जैसे पहले चलती थी तेंदुलकर जी के टाइम के टाइम समय, जैसे 2007 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो हुआ था, उससे पहले वो वाला हुआ था टाई हो गया था इसमें सबने ओवर कराया था, फिर आखिरी में फैसला आया था, आखिरी फैसला आया था वो हुआ था लीग मैच में होता, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था काफ़ी। तब सहवाग लोग थे, बहुत लेजेंड खिलाड़ी थे, दोनों की बहुत लेजेंड टीम थी। और कुछ स्टैट्स आपको बताएंगे, आपको बताने हैं। तो देखिए आज तक T20 के एशिया कप में, T20 फॉर्मेट में एशिया कप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बना ले रोहित शर्मा थे बांग्लादेश के खिलाफ 2016 में, यंगेस्ट 55 गेंद में 83। और आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बनाने वाले कौन हो गए, रहमतुल्ला गुरबाज उन्होंने कल बनाए हैं 45 गेंद में 84, बहुत मारा है श्रीलंका को। और कल आपको बता दें टीम नहीं जीत पाई लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेला, अच्छा टोटल अच्छा था, श्रीलंका चेस कर लगी क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 172 बहुत अच्छा टोटल था, फिर भी नहीं कर पाए वो लोग डिफेंड, लेकिन अच्छी टीम है, हल्के में नहीं ले सकते हैं, देखना पाकिस्तान को लंबा डालेगी, पाकिस्तान को हरा देगी अफगानिस्तान। हाँ 6 तारीख को इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है। हाँ 6 तारीख को देखिए, आज इंडिया पाकिस्तान का, फिर एक दिन छोड़ के इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और आपको रुकिए बताते हैं उसके बाद 6 तारीख को इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है। हाँ 6 तारीख को इंडिया और अफगानिस्तान का, 7 तारीख को पाकिस्तान और श्रीलंका का है, उसके बाद 8 तारीख को इंडिया वर्सेज श्रीलंका का है, उसके बाद फाइनल है, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है 9 तारीख को, और फिर 11 को फाइनल है दुबई में। हाँ तो वही अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच, दोनों मैच सबके साथ होंगे, जैसे एक अपने ग्रुप के साथ लड़ेगी पाकिस्तान के साथ इंडिया, और अफगानिस्तान और श्रीलंका से लड़ेगी, अफगानिस्तान इंडिया से लड़ेगी, पाकिस्तान से लड़ेगी, और श्रीलंका से एक बार लड़ेगी, ऐसे श्रीलंका तीनों से लड़ेगी, तीन मैच होंगे, तीनों टीम के तीन तीन मैच होंगे, अभी कल एक अफगानिस्तान का चुका, आज इंडिया का एक हो जाएगा, फिर दो बचेंगे, एक अफगानिस्तान से एक श्रीलंका से, ऐसे पाकिस्तान के भी। हाँ तो काफ़ी बढ़िया, रोहित शर्मा ने मतलब यंगेस्ट है, अब उनका रिकॉर्ड टूटा है तो रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए बनते हैं, अगर आज देखना होगा क्लोज कॉन्टेस्ट रहने वाला, एक तरफा तो होगा नहीं। और एक और स्टैट्स आपको बता दें, सबसे ज़्यादा मतलब कि कितने लंबे रनों से डिफीट मतलब किसी हटाए, किसी कंट्री को, किसी टीम को हराया है अभी तक, सबसे ज़्यादा T20 में 172 रन से हराया श्रीलंका ने केनिया को 2007 में, वही वर्ल्ड कप में हुआ था जोहान्सबर्ग में, भाई साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसके बाद आती पाकिस्तान, जो परसों मैच हुआ था परसों से पहले इंडिया पाकिस्तान और हांगकांग का 155 रन, 55 रन काफ़ी एकदम, उसके बाद पता कौन है, इंडिया 143 रन आयरलैंड के खिलाफ 2018 में डब्लिंग में, जब इंडिया टूर करने गए आयरलैंड का, तो काफ़ी बढ़िया मतलब कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा मैच हो रहा है, मैच काफ़ी टक्कर के हो रहे हैं एशिया कप में, मैच इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग है एशिया कप, अच्छा लग रहा है, वरना पिछली बार तो एक तरफा इंडिया कप जीत गई थी, बिना कोहली के जीत गई थी एशिया कप, फिर से आज हराएंगे पाकिस्तान को, इनसे हराएंगे आज, फिर से मौका होने वाला है, मौका तो अब चार स्पोर्ट भी नहीं दिखाता, हाँ वो जान चुका है ना, मगर अब देखते हैं। तो रोहित शर्मा का मतलब अब रन बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कप्तान है तो, इसीलिए कोहली को हटाया गया था कि कप्तान थे मगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो रोहित शर्मा को भी अब परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कंसर्न है रोहित शर्मा की फॉर्म भी, 25-30 रन से कोहली, रोहित शर्मा 25-30 रन वाले खिलाड़ी नहीं है, 25-30 रन वाले खड़े नहीं है उनको, भाई बड़े खिलाड़ी हैं, 50 रन बनाए तो 100 तक पूरा आता है उनको, पक्का रहता है, पिछला जो पाकिस्तान का मैच हुआ था ऐसा लग रहा है इनको समझ ही नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था इतनी बाहर, कौन सी बाहर जा रही कौन सी अंदर आ रही कुछ पता ही चल रहा, थोड़ा एग्रेशन इन लोगों को कंट्रोल में अपना रखना है। और राहुल तो, और ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि कैप्टन रोहित शर्मा की, हम लोग मतलब एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, इंग्लैंड वाली अप्रोच जो है, हाँ कि विकेट गिर रहे हैं गिरने तो हम अपना ताबड़तोड़ खेलेंगे, मगर वैसे अप्रोच दिखी नहीं, ऐसा लग रहा है कि सेफ खेल रहे हैं, पावर प्ले में विकेट ना लूज हो और बाद में काउंटर अटैक करेंगे, वो राहुल की वजह से लग रहा है, राहुल का कवर करने के चक्कर में रोहित भी आउट हो जा रहे हैं, आपने देखा था हांगकांग मैच में, हांगकांग की टीम के खिलाफ 40 गेंद में 34 रन बना रहे हैं राहुल, ये हाल है, आउट भी हो जा रहे हैं बाद में कवर करने से, कोहली ने कवर कर लिया था बाद में, वो पूरे फॉर्म में टच में लगने लगे कोहली, तो आज कोहली का मेरी प्रेडिक्शन है 50 आज पक्का मारेंगे। हाँ तो वो राहुल द्रविड़ की तरह खेलें मगर टेस्ट में, T20 में नहीं खेलें तो काफ़ी बढ़िया, मगर कॉन्टेस्ट होने वाला ही है, मगर तीन नंबर पे विराट कोहली खेलना चाहिए या सूर्य कुमार यादव, नहीं विराट कोहली तीन नंबर पे, ज़्यादा बॉल नहीं, सूर्य कुमार यादव का देखिए उनका एक ही काम है आते हुए हिट करना, उनका हिटर वाला काम है, अगर उन्हें 10-12 गेंदें मिली तो, हाँ 10-12 गेंदें मिली, देखिए कोहली होगा ना, कोहली सेट होगा तो एक तरफ विकेट गिरेंगे नहीं, एक तरफ विकेट बचा रहेगा, ऐसे सूर्य और दूसरे वाले लोग जो आएंगे वो हिट करते जाएंगे,
स्कोर बोर्ड बढ़ाते जाएंगे और कोहली अपना 1-2-3 और गंदी बॉल है 4 छक्का मारेंगे। वो तो है, इसीलिए कोहली को बीच में डालना बहुत जरूरी है। बैलेंस टीम का बहुत बड़ा बैलेंस लोगों को स्टार्ट मतलब एक्सप्लोसिव करनी चाहिए, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए। राहुल लोग अगर आज पता नहीं गट फीलिंग क्यों कह रही यार राहुल चलेंगे, आज गट फीलिंग कह रही है राहुल चलेंगे, राहुल देखते हैं चलेंगे कि नहीं। मगर जब आपके पास तीनों चलेंगे आज, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों चलेंगे। अब तीनों अंदर ही गट फीलिंग कह रही है, तीनों अंदर वाली गेंद पे आउट ना हो जाए वो बात अलग, इन गट फीलिंग कह रही है, मेरा 80% चांसेस है। और प्रेडिक्शन क्या देंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच? प्रेडिक्शन तो क्लोज होगा मगर 55% इन फेवर ऑफ इंडिया जीतेगा। नहीं, अगर इंडिया टॉस जीती तो 70-30, 80-20। अगर इंडिया टॉस जीती, टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली तो 80-20, अगर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग ली तो 65-35, मेरा ये प्रेडिक्शन है इंडिया के लिए। प्लेइंग 11 में वही बदलाव, मेरा आवेश खान की अश्विन और अक्षर जो जडेजा आउट हुए उनकी जगह दीपक हुड्डा। आपका? तो मतलब जडेजा की जगह अक्षर पटेल और आवेश खान की जगह अश्विन। और कोहली ने आपने देखा मास्क पहना? हाँ, ऑक्सीजन वाला हाई एल्टीट्यूड वाला मास्क था वो, तो वो पहन के ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, भागते वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल क्या रह रहा था वो चेक करने के लिए हाई एल्टीट्यूड वाला मास्क पहना था। अब रन बन गए तो ऐसा कर भी सकते हैं। एलियन मास्क एकदम लगता है, एलियन की तरह तीन हो लोग। मास्क नॉर्मल लोगों का है ही नहीं, काफ़ी महंगा आता है, काफ़ी महंगा। तो यही प्रेडिक्शन है कि बढ़िया खेलें और बढ़िया जीतें। ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया। पक्का जीतेंगे, फिर से बदला लेंगे। अभी 152-0 वाला बदला भी अच्छे से नहीं पूरा हुआ है, टक्कर का मैच हो गया, एक तरफा हराएंगे इस बार, पक्का हराएंगे। और एक बार फाइनल में भी अगर पाकिस्तान पहुंचा तो अगला मैच ऑब्वियसली होगा। अगर दो मैच इंडिया जीत गई और दो मैच पाकिस्तान जीत गई और दो मैच अफगानिस्तान भी जीत गई, ठीक है, तो दोनों में तीनों में क्या देखा जाएगा रन रेट? तो सबसे ज़्यादा इंडिया ही कौन है क्या, फिर पाकिस्तान कौन है, हांगकांग को लंबे से हरा के आई है, ठीक है, तो चांसेस है फुल 90% चांस है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं हराया तो। और चांसेस है अफगानिस्तान 60% हरा देगी पाकिस्तान को। हाँ, अफगानिस्तान बहुत खतरनाक टीम है, बहुत खतरनाक टीम, हल्के में नहीं लेना। एशिया में इंडिया पाकिस्तान के बाद नाम अब उसी का आता है, अफगानिस्तान का ही हिसाब से। तो श्रीलंका जीत गई मतलब, हाँ, एज अ मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या सबकी थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जीत गई, मगर उस बॉलिंग के खिलाफ 172 मुश्किल था बनाना। बॉलिंग तो इतनी, बैटिंग उनकी बड़ी जबरदस्त, एक से एक हिटर हैं, रहमतुल्ला और जजई भी हैं बीच में, नजीबुल्ला ज्यादा आपको बता ही चुके हैं पिछली वीडियो में, बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं बॉलिंग में। इंडिया कोहली के लिए ना, वैसे ही अफगानिस्तान के लिए कोहली के लेवल के बॉलिंग में भी फरूकी और वो जो नवीन उलक, हाँ, दोनों बढ़िया बॉलर हैं। नवीन उलक तो पूरा बुमराह की तरह एक्शन लेकर, स्पिनिंग ट्रैक हुआ तो राशिद खान और मुजीब, पता ही आपको, मिस्ट्री बॉलर आईपीएल में याद होगा कोहली को इतना लंबा गुगली डाल के आउट किया था, इतना लंबा हुआ था गुगली डाल, गुगली नहीं, इंडिया कमजोरी है, कोहली भी गुगली नहीं खेल पाते हैं, राहुल भी नहीं खेल, रोहित शर्मा भी नहीं खेल, वही इनस्विंग जैसे फास्ट में वैसे ही गुगली में दिक्कत देते हैं लोगों को। स्टेप आउट करना मतलब इंडियन प्लेयर्स की निशानी है। स्पिनर को सीखना है तो स्काई इज द बेस्ट, स्पिनर को खेलते हुए अगर आपको देखना है तो स्काई को देखिए, फास्ट बॉलर भी बढ़िया खेलता है, पीछे खेलता है, वो तो खेलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर बता रहे हैं, बेस्ट अगर आपको खेलते हुए सीखना तो देखिए, फीट का इस्तेमाल करके बैकफुट से भी कट मारते हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और फैंटेसी 11 आपकी? फैंटेसी 11 में देखिए, आप बैट्समैन पर भरोसा रखिए नहीं, आप बॉलर्स पर ले सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार को कप्तान बना सकते हैं, वाइस कैप्टन आप बना दी नसीम शाह। तो हमारी फैंटेसी 11 है विराट कोहली कप्तान, वाइस कप्तान भुवनेश्वर कुमार, देखते हैं कोहली चलते कि नहीं। और ऑलराउंडर में आप किसको उसको लेंगे वही फैंटेसी 11 में? ऑलराउंडर में आप ले सकते हैं दीपक हुड्डा खेलेगा तो वो, या फिर बाकी आप नवाज को तो भूल नहीं सकते और शादाब खान दोनों को। तो हमारे ऑलराउंडर रहेंगे नवाज, हार्दिक पांड्या भूल गया, हाँ, हार्दिक पांड्या नवाज और शादाब, हमारे रहेंगे नवाज, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, ये तीन रहेंगे, और शादाब नहीं लेंगे। हाँ, और बैटिंग यूनिट में पिछले मैच 5 भी कर लिए पर इंडिया के खिलाफ नहीं ले पाएंगे। और बैटिंग में रहेंगे रोहित शर्मा हमारे, विराट कोहली, स्काई, ये तीन, ठीक है, उधर से बाबर आजम खाली और फखर जमान, 5 बैट्समैन, एक कीपर रहेगा रिजवान, और 3 बॉलर रहेंगे भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप नहीं नसीम शाह और वो हरीश राव। आप चाहें तो हरीश राव मार खाने के लिए नहीं, हरीश राव और अर्शदीप में आप देख सकते हैं दोनों से, हरीश राव और
आवेश खान में बड़ा कॉम्पिटिशन होता है कौन ज़्यादा मार खाएगा। चलिए आवेश खान बहुत ही बेकार कैसे में चल नहीं रही है, बहुत मार पिट रहे हैं, हांगकांग से 53 दिन खा रहे हैं, क्योंकि बेशर्मी की बात है, नहीं पचे की बात भैया, इनको ड्रॉप करना चाहिए। पता नहीं रोहित शर्मा कोई वीडियो लीक हो कुछ हो गया है क्या, वीडियो आ गए आवेश खान के पास, मेरे हिसाब से मौका दे रहे हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे बॉलर को पिटवा। इंडिया में बहुत महान खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, बहुत टैलेंटेड, उनको इतना मौका नहीं मिला है, इनको पता नहीं कौन सा मौका मिल रहा है, क्यों इतना 4-5 6 मैच वेस्ट इंडीज पिट रहा, हांगकांग की टीम खिलाफ पिट रहे हैं। चलो आज शायद खिला ही दें आवेश खान को। हाँ आवेश खान नहीं वो खिला देंगे, ड्रॉप करेंगे हम, देखते हैं, चलो देखते हैं। रोहित शर्मा कंसिस्टेंट रहते हैं प्लेइंग 11 में, तो शायद ना ड्रॉप करें। हाँ चलिए सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, और आज पक्का इंडिया जीतेगी, हम लोग कल आएंगे अगर इंडिया जीती। ऑल द बेस्ट।